दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप का टच पैड काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीके से आप अपने लैपटॉप के टच पैड को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, मैं उंगली फेर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो मेरा माउस का कर्सर है वो वहाँ कोने में पड़ा हुआ है, वो ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है और मेरा टच पैड काम नहीं कर रहा है। तो पहला तरीका देख लेते हैं कैसे इसको ठीक करना है। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास माउस है तो आप उससे मांग लीजिए थोड़ी देर के लिए, और अगर आपके पास पहले से ही माउस पड़ा हुआ है तो आप उसको ले लीजिए और उसको आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। तो मेरे पास एक माउस है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। इसको आप USB पोर्ट में लगा दीजिए। तो मैंने माउस को कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वाला माउस कनेक्ट हो चुका है। अब इससे हमें इस वाले सेटिंग को ठीक करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मेरा माउस है वो काम कर रहा है, ओके, लेकिन मेरा टच पैड काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टच पैड नहीं काम कर रहा है लेकिन मेरा माउस से जो कर्सर है वो चल रहा है। तो अब हमें जाना है सेटिंग्स में। तो यहाँ देखिए किनारे आपको विंडोज़ का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, आपको यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में आने के बाद ऊपर आपको एक सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सर्च करना है टच पैड, TOUCHP। जैसे आप यहाँ पर टच पैड लिखेंगे तो यहाँ पर आपको टच पैड या टच पैड सेटिंग करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। टच पैड सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको किनारे में जो टच पैड का ऑप्शन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो टच पैड का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करके रखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा टच पैड ऑन ऑफ। अभी देखिए मेरा जो टच पैड है ये ऑफ है तो इसको हमें ऑन करना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका टच पैड ऑफ तो नहीं ना है, अगर ऑफ है तो इसको ऐसे ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपके लैपटॉप का टच पैड काम करने लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं अपने लैपटॉप के टच पैड पर उंगली फेर रहा हूँ तो ये कर्सर यहाँ से मूव कर रहा है, यानी कि हमारा टच पैड ठीक हो चुका है। तो अगर आपका टच पैड गलती से ऑफ हो गया होगा तो यहाँ से ऑन कर लीजिए, किसी से माउस मांग लीजिए या फिर अगर आपके पास माउस है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टच पैड ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ बगल में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, यहाँ देखिए एडिशनल सेटिंग्स लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। तो ये तरीका तो हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये एक शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड में देखिए आपको एक फंक्शन बटन दिखेगा, FN लिखा होगा, और उसके बाद जो यहाँ पर आपको ऊपर फंक्शन की मिलते हैं F1, F2, F3 करके, तो यहाँ पर देखिए F5 जो की है उसमें आपको टच पैड बना हुआ दिखेगा, ओके। तो आपको FN बटन के साथ F5 बटन को दबाना है तो आपके लैपटॉप का टच पैड ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा, आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे कीबोर्ड में ये सेटिंग नहीं होती है तो आपको ये माउस वाला ही ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, आपको माउस से ही सेटिंग में जाकर उसको ऑन करना होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।